दिन के पौने 12 बजे। हाय गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ। कहीं नहीं, मैं इतना तैयार होकर पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि इतने दिन से घर में बैठ के पढ़ पढ़ के लाइक दिमाग एकदम सैचुरेट हो चुका है। सो मैंने अलवेरा को कॉल किया, आई वाज लाइक यार कहीं चलते हैं पढ़ने के लिए। आर प्री प्रॉफ्स इज इन 1 वीक, और अपनी शक्ल थोड़ी ठीक बना के ना इतने दिनों बाद अच्छा लग रहा है, वरना तो शीशे में भी देखने का मन नहीं कर रहा था। और कोल्ड भी हो चुका है, मेरा हर पेपर से पहले तबीयत खराब हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है पेपर से पहले मुझे। पनौती थैंकफुली सनलाइट मिली है इतने दिनों बाद, लाइक बहुत टाइम बाद मैं एक्चुअली घर से बाहर निकली हूँ, बिकॉज एग्जाम टाइम में पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है, आई लाइक टू कीप माई सेल्फ आइसोलेटेड, आई डोंट टॉक टू एनी वन, आई डोंट गो आउटसाइड। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैं बाहर जा रही हूँ। होपफुली अच्छा स्टडी सेशन होगा, होपफुली हम बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 3 hours later हमने 3 पेज भी देखो कैसे 3 पेज जिसमें वर्ड्स लिखे हुए, ठीक है बस वर्ड्स है, उसके 3 पेज पढ़े इसमें मैंने। इस बुक की जो बहुत मोटी बुक है इसके 2 पेज पढ़े हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप हमारी प्रोडक्टिविटी के बारे में स्टडी सेशन के बारे में? मतलब जैसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है वो चाहते हैं बहुत सारे लोग मत देखो यार। अभी अभी हम थोड़ा ना आए नहीं है फॉर्म में, जब हम फॉर्म में आएंगे तो और बेटर पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला गाइस, हम हमारे साथ पता ही है, हम एंड में खींच लेते हैं। एंड में जब सेकंड ईयर कर लिया इसी स्टारबक्स में बैठ के सेकंड ईयर निकाला है, तो ये निकाली सही बात है। और ये तो थर्ड ईयर है, जो थर्ड ईयर है यार पूरे साल ही बोल रहे हैं, ये हालत हो रही है। नहीं नहीं पढ़ रहे पढ़ रहे। चलो भाई अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। सामने भी मैं कैसे कंसंट्रेट करें पढ़ी? कर लेंगे ये ले गाइस, इसको मत देखो आप, मेरे को देखो। How dare you? 12 seconds later. भाई इसको सेंटेंस में क्रिएट कर दियो। था हमारा आज का सेशन वेरी इंसाइटफुल था, देखो समझ में भी आ गया। 3 पेज पढ़े यार, 3 पेज पढ़े हमने। कोई नहीं होता है, टीनी इज एन आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज। एंड कमेंट्स में बताओ कि किस किस को ये नहीं पता था। ये तो सबको पता है। एनीवे सीरियसली, इन ऑल सीरियसनेस, हमने आज ज्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि हम आज थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ रहे थे, बट हम जेन्युइनली पढ़ रहे हैं और हम अच्छे से पढ़ेंगे प्री क्रॉस के लिए। वाई नहीं हो पाई, 5 सेकंड भी नहीं पढ़ पाई 5 सेकंड में। इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस। रात 11 बजे। अर्पित क्या है ये? एक हैक है टू कॉन्कर PSM, जो इतनी बड़ी बुक है उसका छोटा सा 400 पेज का PDF है। सुम्मी दीदी क्यों देख रही है मेरे को ऐसे? दरवाजा बंद कर। ये करते हैं जज, ये करते हैं जज। वो पता है कैसे पढ़ता था? चक्की चलाता था और साइड में इतना सा बल्ब के नीचे पढ़ता था। हाँ, और ट्रू स्टोरी है ये। तुम यहाँ इस अंधेरे में पढ़ोगे कैसे? पापा कहते थे कि बाहर के अंधेरे से नहीं अंदर के अंधेरे से डरो, सुविधाओं के लालच में समझौतों का अंधेरा। और तुम तो जानती हो कि अब्दुल कलाम साहब स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ा करते थे, मेरे पास तो फिर भी अपना बल्ब है। और IPS बन गया वो। ठीक है मैं क्यों बात? ये मेरे को सारे फैसिलिटीज देने के बाद, इतना कुछ देने के बाद, और ये फोन पे बात कर रही। अरे मैं फोन पे कोई वैसी बात थोड़ी कर रहा था, कॉल आया था कुछ इम्पोर्टेंट, और मैंने बोला ठीक है बाद में बात करता हूँ, मेरे रूम पे कैमरा लेके लोग आ गए हैं। इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर की मतलब। Everyone should go watch that Barbie film. It is such an inspiring movie. We will never understand how difficult it is for so many people to, like, you know, just focus on their studies, and we get that opportunity to do that. Our parents give us every resource, every facility to just focus on our studies, and that's the only thing we don't do. That's the only thing we don't do. गौर से देखिए इस शख्स को। Cleared
वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन यूपीएससी वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जामिनेशन है एंड नॉट एक बार में क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल सेकेंड अटेम्प्ट में फेल थर्ड अटेम्प्ट में फेल दैट मूवी मेक्स अस रियलाइज कि आपकी जो फ्रेंड सर्कल है उससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है इफ यू डोंट हैव गुड कंपनी यू विल प्रॉब्ली रिमेन दैट एवरेज ऑफ दैट कंपनी हिज कंपनी वॉज सो गुड उन्होंने इतना सपोर्ट किया है एंड द गाय लाइक आई जस्ट हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस बट लाइक गाइज इफ पॉसिबल प्लीज वॉच दैट मूवी इफ यू वॉच्ड इट प्लीज ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम इट बिकॉज इट्स अ रियल स्टोरी मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं इफ वी वर्क हार्ड वी कैन ऑल्सो अचीव गोल्स वी डोंट हैव टू बी IAS एंड IPS बट Whatever our goal is, we can achieve that. Vidhi kya achieve karegi? Vidhi will go very far in her life. Vidhi has a plan. Machhar ko marna kaisa hai? If she focuses, then of course she'll achieve it. I know that it seems really hard right now. Ki kahan US ke examination mein crack karegi wo, aur wahan jayegi aur residency milegi. I know it seems very very hard, but I also know that if she really focuses and keeps that as the single goal, she'll be able to do it. Abhi chane ke jhaad pe chadha rahe ho. आप इतने मोटे क्यों लग रहे हो क्या बॉडी शेमिंग बहुत से लोगों को दूर का साफ दिखाई नहीं देता कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई अब क्या बताऊं मेरे को जितना लग रहा था उससे तो बेटर ही चल रही है आपने वो नहीं बोला चलते चलते बहुत दूर चली गई क्योंकि अभी थोड़ी कंट्रोल में आई है मैं ना पेपर से दो दिन पहले बोलूंगी कि चलते चलते बहुत दूर चलेगी अभी तो लग रहा है ना कि अभी होप है अपने सामने लगा रखा है सिर्फ एक पेपर की सबसे ज्यादा दिक्कत है मुझे कॉमेड की कॉमेड का सिलेबस ही इतना है कि मैं भूल रही हूँ कि कितना सिलेबस है तो मैंने अपने सामने लगा रखा है कि विधि इतना सिलेबस पढ़ना है तेरे को एक सब्जेक्ट का तो PSM ही सबसे ज्यादा दिक्कत है खाना खाते हुए PSM ही देख लेती हूँ PSM हो गया तो बाकी सब तो हो ही जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है वैसे हाई होप सो मैंने हेयर कट कराया है मुझे लग रहा था कुछ अलग है अच्छा किया हेलो बहुत शैबी से लग रहा है वेरी नाइस गाइस कमेंट करके बताओ आपको इसका हेयर कट कितना खराब लग रहा है बाय द वे हेयर कट मैंने भी कराया ये हेयर पूरे कट हो गए मतलब कमेंट करके बताओ मेरा हेयर कट कितना अच्छा लग रहा है हेयर कट में जितने हेयर बचे हैं वो कैसे लग रहे हैं गिव अस अ ट्वर्ल शिवम गिव अस अ ट्वर्ल हियर वी गो ये ट्वर्ल है मतलब ऐसे ऐसे ही तो करते हैं जिसके बाल कटते हैं बिकॉज़ यू वर्थ इट ये बहुत खराब लग रहा है ना ये हटा दे मुझे आप बहुत गंदा रखते हो वैसे ही कमरा ये मैंने पढ़ने के लिए काफी साफ करा है गाइस ये रियलिटी है देखो ये विधि के रूम की ये कुछ छुपाने के लिए ये देखो ये और ये देखो ये बस पीछे ये देखो ये सफाई बाय द वे इधर मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ मैं ना जब मैं अपनी बुक पढ़ रही हूँ ना तो मैं उसमें जो ऐसे वर्ड्स है ना जो मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं आएगा पेपर में तो ये वर्ड्स लिख के आ जाऊंगी मैनेजमेंट एनहेंसमेंट क्वालिटी इंप्रूवमेंट सुपरविजन इम्प्लीमेंटेशन मैं कुछ भी नहीं आएगा ना तो ये तो लिख के आ जाऊंगी वर्ड्स तो मैं उसकी भी एक लिस्ट बना रही हूँ मुझे तो समझ में नहीं आता हम लोग सब यही सोच रहे हैं मैं बायोस्टैट्स में मीन मीडियन और मोड निकाल के कौन से पेशेंट को क्योर करने वाली हूँ तो मुझे बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं समझ में आता PSM पढ़ने का मुझे बहुत मुश्किल भी लगती है PSM क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स है और मैथ्स है बेसिकली बाय द वे गाइस ये जो ये स्टैटिस्टिक्स है ना ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स था और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था और मैंने जॉब भी की थी दो महीने इसी से रिलेटेड और मामा आए थे अपने आप को पिच करने एज अ टीचर कि मैं पढ़ा देता हूँ इसलिए वो दिन जा चुके मेरे को पिटना नहीं है अब और पढ़ते हुए मैं बड़ी हो चुकी हूँ मैंने आपको मैथ्स नहीं सिखाया था तो इतना पीट पीट के इतना कूट कूट के लिटरली हाँ मैंने पता क्या करते थे वो मेरी कैलकुलेशन नहीं देख रहे होते तो इतना प्रेशर होता था मेरे ऊपर बिल्कुल वैसे ही प्रेशर जब वो नहीं होता कि उसी सब्जेक्ट का टीचर आके खड़ा हो जाए जब आप पेपर लिख रहे हो तो बस देखते रहते थे मेरे से 5+4 भी नहीं होता था पता है उस टाइम मेरे से 5+4 फिर और मारते थे मामा कभी इतनी सिली मिस्टेक्स करती थी दैट्स द रीजन इसका नीट में भी 12,000 कुछ रैंक ही आया और मैं इसको बोलता था भाई चेक कर लो अब आप ये सोचो कि अभी मामा बस उस बारे में सोच के इतना वर्कअप हो रहा है आप सोचो कि जब मामा एक्चुअली बिठाते होंगे मुझे पढ़ाने के लिए तब मामा कैसे होते होंगे सुनाई दे रहा है बेरा नहीं हूं मैं अब आप लोग जाओ मेरे को पढ़ने दो जेन्युइनली पढ़ने दो निकलो एक और लास्ट चीज तो दिखा दूं ये देखो अरे वो पहले वो इधर रखे होते हैं फिर जब पढ़ती हूँ तो उधर रख देती हूँ लेट नहीं जाता तो फिर इधर You know how you throw your jacket on a chair at the end of the day? Well, like that, only instead of a chair, it's a pile of garbage. And instead of a jacket, it's a pile of garbage.
And instead of the end of the day, it's the end of time, and garbage is all that has survived. That was the reality of medical student studying. आप समझ गए ना प्यारी समझ गई।